ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है बेटा, बात करें जो किडनी का डिसऑर्डर है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पूरे बात करें जो होता है वो है बेटा बात करें आपके नेफ्रॉन का बेटा बात करें इन्फ्लेमेशन और डिजनरेशन। और आपको पता है बात करें किडनी के अंदर बेटा बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चर जो यूनिट है पूरे बात करें वो क्या है, नेफ्रॉन। किडनी वर्क करती है कि नेफ्रॉन बेटा बात करें ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा, ना कि दीदी बात करें किडनी करती है। अगर मेरी पूरे बात करें नेफ्रॉन में स्वेलिंग आ रही है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, पूरे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया, पूरे बात करें या यहाँ तक कि कोई बेटा बात करें स्टोन भी हो जाए तो इन्फ्लेमेशन तो हो गया ना पूरे बात करें, उसको मैं बोलते हैं क्या बेटा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मतलब बेटा बात करें नेफ्रॉन का इन्फ्लेमेशन। और दूसरा बेटा दे रखा है उसने रीनल स्टोन, क्या दे रखा है, रीनल स्टोन। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस समझ में आ गया क्या, क्या समझ में आ गया, ग्लो मेरु बात कर लो नेफ्राइटिस क्या है बेटा दीदी, बोलो ये इन्फ्लेमेशन और बेटा बात करें क्या नेफ्रॉन, ये दीदी बात करें डीजनरेशन और बेटा बात करें क्या नेफ्रॉन। और दूसरा बेटा रीनल स्टोन, क्या बेटा बात दीदी बोलो, रीनल स्टोन। रीनल स्टोन का मतलब दीदी बात करें क्या है, किडनी की बात, रीनल स्टोन। ये दीदी रीनल स्टोन हो सकता है, ये यूरेटर स्टोन हो सकता है, क्योंकि किडनी दो ही जगह फंसेगी बेटा बात करें, या तो वो लोग बात करें कहाँ पे किडनी में या यूरेटर फंस जाती है जिससे वो यूरिन का फ्लो बंद करते हैं, जिससे इंसान को यूरिन करने बेटा बात कर दिक्कत आती है, फिर उसको वहाँ दीदी पेन होता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो पूरे बात करें रीनल स्टोन की बेटा बात करें मतलब क्या है, जब मैं पूरे बात करें खाने में कुछ ऐसे पूरे बात करें सॉल्ट को खाता हूँ, जैसे पूरे बात करें नाम है कैल्शियम ऑक्सीडेट, क्या है बेटा बात करें कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम ऑक्सीडेट, जैसे ऊपर आपके स्टडी बोलता है केवल कैल्शियम ऑक्सीडेट, कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम ऑक्सीडेट मैग्नीशियम फॉस्फेट मैग्नीशियम ऑक्सीडेट जैसे कंपाउंड मेरी किडनी में लगातार पूरे बात के जमा होते रहे तो वहाँ बेटा बात करें क्या करते थे, पूरे बात के फाइब्रोसिस कर दी, मतलब टिश्यू को डिजनरेट कर देते, वहाँ पर क्रिस्टल बन जाते। बेसिक कहानी दीदी बात करें होगी, जैसे अगर कहीं पूरे बात करें सुलभ शौचालय में जाते हैं, समझ पा रहे, जब पूरे बात शुरू करने जाते हैं कि नहीं जाते, सुलभ शौचालय मतलब कॉमन दीदी बात करें जो हमारे पास वॉशरूम टॉयलेट होते हैं पूरे बात समझ पा रहे नगर निगम में, वहाँ अगर सफाई ना हो रही कुछ तो पूरे बात जाते तुमने देखा होगा इतने मोटे मोटे दीदी बात करें व्हाइट कलर के पीले कलर की दीदी लेयर जम जाती है उस पत्थरों के ऊपर जो वहाँ पे पूरे टाइल्स लगी होती है, वो इतना मोटा मोटा क्या दीदी लगातार अपन यूरिन सीक्रेट करते हैं तो वहाँ दीदी बात करें वो डिपोजिट हो जाते हैं सॉल्ट। तो यही तो मेरी कहानी है, अगर मैं पानी कम पी रहा हूँ प्रॉपर दीदी वाटर का इंटेक नहीं कर पा रहा तो मेरी बॉडी से मेरी किडनी से दीदी बात का सॉल्ट का प्रॉपर बेटा फिल्ट्रेशन होता नहीं है और वो बेटा बात कभी किडनी में जमा होते रहते और एक समय दीदी बात करें वो कष्ट में काफ़ी मोटे बन जाते हैं जो कि आपके यूरिन के फ्लो में दीदी बात करें क्या करते हैं बेटा बात करें पूरे बात करें पता है ना बिल्कुल करते रेस्ट्रिक्ट करते उसको दीदी बात करें बेवमेंट डालते हैं और पूरे बात करें यूरिन के फ्लो में परेशानी आना ही दीदी बात करें पता है मुझे तकलीफ देता है जिसका नाम क्या है बेटा बात करें रीनल स्टोन। स्टोन का मतलब भाई इतने बड़े पत्थर से नहीं हो जाते, इतने छोटे छोटे से बेटा बात क्या पत्थर पर बड़े छोटे छोटे डक्ट भी तो है, अगर उस डक्ट के अंदर बेटा बात करें अगर किसी सब्सटेंस की फ्लो को रोका जाएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, इन्फ्लेमेशन होगा बेटा बात करें फाइब्रोसिस होगा बेटा बात करें और ज्यादा तकलीफ हुई बात करें तो और ज्यादा सीवियर डिसीज हो सकती है। तो ये है बेटा बात करें रीनल स्टोन। रीनल स्टोन मतलब किडनी की पत्थरी का मतलब है बेटा बात करें डिपोजिशन और बेटा बात करें सॉल्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्सीडेट। मैं आपसे एक चीज कहूंगा बस मुझे बात करें क्या बेटा बात करें सॉल्ट ऑफ कैल्शियम पूरे बात करें क्या ऑक्सीडेट। अच्छा वैसे कर चाहे इसका फॉर्मूला बता सकते हैं ऑक्सलिक एसिड सक्सिनिक एसिड ऑक्सलिक एसिड पूरे बात करें याद है तो अगर ऑक्सलिक एसिड में से मैं H प्लस हटा दूँ और वहाँ दीदी बात करके H प्लस हटा दूँ तो क्या बनेगा ऑक्सलेट है और वहाँ H प्लस जगह पूरे बात करें क्या लेके आऊँ कैल्शियम लेके आऊँ तो क्या बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट है कि नहीं पूरे बात करें तो मेरी तब देखोगे नहीं मुझे पता है क्यों उसको पता है कि अगर मैंने देख लिया ना तो भी पूछने का दुष्ट इंसान पता है क्या कि बताओ ऑक्सलेट का फॉर्मूला बोलो ऑक्सलिक एसिड तो बड़ा प्यारा दीदी बात करें हमारे पास बता ही सकते अपन पूछे दीदी बताओ जरा बेटा बात करें क्या होता है ऑक्सलिक एसिड का फॉर्मूला सक्सिनिक एसिड नहीं चाहिए ऑक्सलिक एसिड ऑक्सलिक एसिड पढ़ा है कई बार लिखा है तो पूरे बात करें क्या होता है रीनल स्टोन तब पूरे बात करें रीनल स्टोन क्या होता है डिपोजिशन और बेटा बात करें सॉल्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम फॉस्फेट मैग्नीशियम ऑक्सलेट मैग्नीशियम फॉस्फेट सॉल्ट पर एनसीईआरटी में क्या कहा है कि दादा कैल्शियम ऑक्सलेट और वो किडनी से निकल के कई बार दिन थी यूरेटर फंस जाती है यूरेटर निकलने के बाद फिर यूरिन ब्लैडर में आ जाए दोहा फंस जाती है यूरेथ्रा में इसलिए बोल दीजिए पूरे बात करें कि अगर आपको छोटी मोटी पथरी निकालना है जन्म की तकलीफ की बात ही नहीं पानी बहुत सारे इंटेक और पानी को होल्ड करो जब जैसे लगे कि जोर से बारिश हो फिर जाके जोर से प्रेशर के साथ की बात करें सुस्त करो तो पूरे बात करें आराम से निकलेगा आज ही निकलेगी एक हफ्ते बाद ही निकलेगी 15 दिन बाद निकलेगी पर निकलेगी जरूर लेकिन दीदी बात करें ऐसा होने ही ना दे अपन कि हमें तकलीफ से गुजरना पड़े तो इसका मतलब क्या बेटा बात करें प्रॉपर वाटर में प्योर वाटर को ड्रिंक करो प्योर वाटर का मतलब दीदी बात करें आरओ का वाटर नहीं होता है गाँव के लोग तो कुएं नदी का पानी पीते तो उनको नहीं होती है हर इंसान को पता है समझ पा रहे जो गाँव में इंसान रहे चाहे बेटा चाहे शहर में रहे आपको दीदी अगर प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हो दिन भर में दो गिलास पानी पिया
पथरी होने की चांस कई गुना ज्यादा है। तो कम से कम कितना पानी भी टेंटिंग करना चाहिए उनको प्रॉपर पूरे बात करें, 8 से लेकर दीदी बात करें 10 ग्लास से 8 से लेकर 12 ग्लास से बहुत प्यारी रेंज है पूरे बात करें, मतलब आपको आराम से 2.5-3 लीटर पानी तो डेली पीना ही चाहिए ठीक है। उससे पूरे बात करें प्रॉपर फिल्ट्रेशन होता रहता है, बीपी भी मेंटेन रहता है, वो जो बोलते हैं पूरे बात करें हेल्दी हेल्दी ग्रोथ समझ पर डायरी कर इतने भोरे भोरे देखते हैं वो किससे देखते हैं पानी से, पानी को प्रॉपर पूरे बात करें बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहेगा, यूरिया यूरिया निकलता रहेगा बॉडी की बात करें। अच्छा दूसरी बात तुम ज़्यादा पानी पी के देखो तब पूरे बात करें, आपको पूरे बात करें पता पोटी भी दिन में कई बार आएगी 2-3 बार पोटी आ जाती है, ये प्रॉपर टाइम पर बात करें जब भी जाएंगे पेट भी साफ हो जाएगा। पानी कई चीज़ों का पूरे बात करें पता ट्रीटमेंट, आपका पेट साफ रहेगा तो मूड साफ रहेगा, मूड साफ रहेगा दीदी बात करें तो बड़ा भी अच्छा पानी बस समझ पर, पानी नहीं पीते पूरे बात करें तो पूरे बात करें पता है किससे वाटर स्ट्रेस कंडीशन से गुजरते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो होगा दीदी बात करें चक्कर से करेंगे मन नहीं करेगा, लेजीनेस छाई रहेगी समझ पर, पसीना नहीं निकलेगा पूरे बात करें तो उनके पोर नहीं खुलेंगे, पोर नहीं खुलेंगे चाहे स्किन भी हो चाहे ना हो तो पूरे बात का आपको पिंपल सिंपल्स होती रहेगी बस समझ पर। पानी पीने जरूरी ही नहीं बहुत जरूरी प्रॉपर अमाउंट में ड्रिंक करो बेटा बात करें वाटर समझ पाए, खड़े होकर पानी पीना चाहिए कोई नहीं कह रहा दीदी बात, वो तो अपने अपने रूल है, आयुर्वेदा ऐसा बोलता है खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए होगी, खड़े होकर दीदी बात कर बताए प्रॉपर हम सुकून से पानी पीते हैं ऐसा क्या दिक्कत है, कुछ लोग बोलते ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, हाँ वैसा बोलती पूरे ऊपर से पानी पिए तो कुछ यार अंदर चली जाएगी पानी के साथ ठीक है पूरे बात कर, पर वो तो बाहर निकल जाती है आपको पता थी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम बात करें, लेकिन हर इंसान के सामने अपने एक्सप्लेनेशन भी दे सकते क्योंकि इंसान आज के समय में बहुत दीदी बात के नॉलेज हो ठीक है ना, अगर अपन बोलेंगे तो उनको पुरानी कहानी सुनाने लगती उतना मेरे पास टाइम है, इस तरह बोले थे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कल से मैं बैठ के पानी पीऊंगा और मुंह लगा के पानी पीऊंगा बस समझ पा, लेकिन जो ऊपर से पानी पीते आ रहे हैं क्या वो आज तक बचे नहीं, उनको कोई बहुत बीमारी होगी, कुछ लोग तरफ देखने जा रहा हूँ ऊपर से तुम खड़े होकर पानी तुम्हारे घुटने बैठ जाएंगे, अरे भाई सब पानी घुटने से क्या है क्या मजाक चल रही, पानी यदि इंटेस्टाइन में जाना है इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब होना है, घुटने में पानी जा नहीं रहा है क्या तुम्हारे घुटने खराब हो जाएंगे, बहुत चमत्कारिक लोग हैं तो इससे भी बात करें ऐसे लोगों को कुछ कह नहीं सकते इसलिए बोलते हैं कि अच्छा है ठीक है, ऐसे लोगों के लिए क्या है मान लो तो खड़े होकर तुम चाहे दीदी बात कर बैठ के ऊपर बैठने से क्या होता है कि सुकून से पीते हैं और जितना पीना होता है उतना पीते हैं नहीं समझ पा, एक तो बहुत ज़्यादा ही पी लेते हैं इससे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बस समझता ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कुछ और इस टॉपिक में है क्या बेटा, तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठीक है। अच्छा ये जरा दीदी बात कर कुछ बोलना चाह रहे थे इधर आओ आ जाओ जल्दी से, ये लड़का कुछ कहना चाह रहा आपसे ठीक है, जैसे कि ये कहना चाहेगा कि तो शर्मा ही है ये कह रहा है कि मुझसे बोलेंगी मैं किसे बोलूँगी लाइक और सब्सक्राइब, भाई देखो जिसको पसंद आएगा जिसके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये वीडियो पूरे बात करें हर चीज़ पे आता है, आज तुम बेटा बात करें एनसीईआरटी की बात करो चाहे आप नीट दे रहे हैं चाहे बेटा बात करें अपन आईएएस का पेपर दे रहे हैं, सबसे बेस्ट बुक दीदी बात करें टेक्स्ट बुक अगर कोई आईएएस आईपीएस एमपीपीएससी और पीएमटीआईटी के लिए कोई है उससे कोई एनसीईआरटी एनसीईआरटी पेपर आपका चाहे पटवारी का दे लो चाहे उधर नीट का दे लो चाहे आईएएस का दे लो बस समझ में अपन डॉक्टर बनेंगे नीट का देखिए तो पूरे बात करें जो आईएएस निकालते हो क्योंकि वो भी एनसीईआरटी इसे एनसीईआरटी तो मस्ट है ठीक है। तो आप इसको लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और अगर ऐसे आपको और किसी टॉपिक की प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करो पूरी की जाएगी ठीक है, और चलो ठीक काफ़ी।